नमस्ते दोस्तों, लिप टू ईट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत टेस्टी सा केक, और ये बहुत इजीली घर में बन जाता है और बनने में भी टाइम नहीं लगेगा, केवल 10 मिनट लगेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 ओरियो बिस्किट के पैकेट ले लिए हैं। ये चॉकलेटी फ्लेवर लिया है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं या आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं जो आपके पास घर में हो। और ये केक हम बिना सोडा, बिना मैदा, बिना कोको पाउडर के बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये बिस्किट हमने अनपैक कर लिए हैं, अब इनको हम देखिए इस तरह से खोल के इसकी क्रीम हम निकाल देंगे। ये बहुत इजीली निकल जाएगी, देखिए इसी तरह से हम सारे बिस्किट और क्रीम अलग अलग कर लेंगे। दोस्तों देखिए ये क्रीम और ये हमने बिस्किट अलग अलग कर लिए हैं। अब ये क्रीम हम हटा देते हैं। अब एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें हम ये बिस्किट रफली तोड़कर डाल देंगे, क्योंकि हमें इसका फाइन पाउडर बनाना है। दोस्तों देखिए ये फाइन पाउडर बन गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये बिस्किट पाउडर हमने निकाल लिया एक बाउल में। अब इसमें हम ये दूध मिक्स करेंगे। ये हमने 1/4 कप दूध लिया है, इसको अभी हमने आधा ही डाला है, और इसे हम अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें हम सारा दूध ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। देखिए हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए, और इसको हम थोड़ा सा 1-2 मिनट अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। दोस्तों देखिए बैटर बनके तैयार है। अब इस तरह का कोई केक टिन लेंगे, इसको हमने पहले ही ग्रीस कर दिया है बटर से, या आप तेल से भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमने बटर पेपर लगा दिया है। अब इसमें हम ये आधा बैटर डालेंगे, क्योंकि आधा हमें बाद में यूज़ करना है। इसको डाल के हम थोड़ा सा टैप कर देंगे, जिससे कि एयर बबल हमारा सेट हो जाए। दोस्तों गैस पे हमने एक कढ़ाई रख ली है, ये हैवी बॉटम की कढ़ाई है। इसमें हमने एक स्टैंड डाल दिया है, और ये केक हम स्टीमी भाप से बनाएंगे, तो इसमें हमने 2 ग्लास पानी डाल दिया है। अब इसमें हम ये केक टिन रख देंगे, और इसके ऊपर हम ये एक तौलिया ढक देंगे, जिससे कि जो हमारी पानी की स्टीम है वो हमारे केक पे ना जाए। और इसको हम तौलिए को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, कहीं तौलिया हाथ पकड़ ले। और इसको हम 5 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे लो फ्लेम पर। दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं, गैस हम बंद कर देते हैं, और इसको हम उठा के देख लेते हैं अपने केक को। देखिए ये फूल गया है। अब इसमें हम ये जो क्रीम निकाली थी हमने, ये एक एक करके इस केक में हम लगा देंगे। दोस्तों देखिए ये हमने क्रीम लगा दी है। इस बिस्किट की क्रीम लगाने से ये है कि अब इस पर हमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो हमने आधा बैटर बचाया था, अब इसको हम अच्छे से इस केक पे फैला देंगे। देखिए ऊपर हमने सारी चॉकलेट लगा दी है। अब हम गैस जला देंगे, और इसको हम स्लो पर फिर से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, और ढक देंगे हम इसको अच्छे से। दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको हटा के देख लेते हैं। वाओ कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। अब इसमें हम टूथपिक डाल के देख लेते हैं। देखिए एकदम साफ है ये टूथपिक। गैस हम बंद कर देते हैं, और इसको हम निकाल देते हैं। दोस्तों इसे हमने कढ़ाई में से निकाल लिया है, अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब केक हम अनमोल्ड कर लेते हैं। देखिए ये निकल गया है। अब इसमें हम बटर पेपर निकाल देते हैं, ये आराम से निकल जाएगा। अब इस पर हम दूसरी प्लेट रख के इसको हम सीधा कर लेंगे। अब इसको हम चॉकलेट सिरप से गार्निश कर देंगे। इसमें हम थोड़े से चोको चिप्स डाल देंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मैं ऐसी गार्निश के लिए डाल रही हूँ। अब दोस्तों इसका हम पीस कर लेते हैं। ये एकदम सॉफ्ट और
टेस्टी बना है। लुक भी देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए ये टेस्टी केक बनके तैयार है। और ये इसको बनाना कितना आसान है ना, 10 मिनट में केवल बन जाता है। तो जब भी बच्चे फरमाइश करें या बड़े फरमाइश करें तो फटाफट बन भी जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।